और आज के अवसर पर जब रक्षाबंधन का धूमधाम से त्योहार मन रहा है और जन्माष्टमी भी चल रही है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण का जीवन अपना कदम कदम पे उसका जीवन सबको प्रेरणा देने वाला, अपने जीवन से उन्होंने सदैव लोगों को कष्ट के खिलाफ लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। और तो और जीवन में जन्म तो एक बार मिलेगी, मौत एक बार मिलेगी, उस मौत के खिलाफ आंख में आंख डाल करके जीना सिखाया है जिसने, तो कृष्ण कन्हैया लाल ने सिखाया। ये हमारा सौभाग्य, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने की हिम्मत किसने दिखाई, उनका नाम है गोपाल कृष्ण। जो गाय को पाल के गोपाल होगा, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, ये हमारा सौभाग्य है। गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले सबको प्रेम के बंधन में बांधने वाले और कंस जैसे महारथ को मार कर भी दुनिया का एकमात्र रिकॉर्ड है, ऐसे बड़े सत्ताधीश को उसके घर में मारे और खुद कुर्सी पे नहीं बैठे, ये रिकॉर्ड अगर किसी के नाम पे है तो गोपाल कृष्ण के नाम पे। ये हमारा अपना आदर्श है। दुनिया कई सारे लोग कई प्रकार से देखती है, मेरे कई सारे विरोधी कह रहे हैं आप जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो, अरे जन्माष्टमी हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा, आपको पसंद नहीं है तो आप घर में बैठ जाओ, आपका मन का भाव भगवान की पूजा करने से भी रोक सकता है। और हमारी सरकार तो और भाग्यशाली है, भगवान कान्हा बन के मथुरा गए तो कृष्ण बन के दुनिया में कंस को मार के पहचान बनाई, और कृष्ण बन के उज्जैन आए मध्य प्रदेश आए तो श्री कृष्ण बन के गए। ये हमारा सौभाग्य है, ये मध्य प्रदेश की धरती है जो श्री लगाने का काम करती है, जिनके मात्र नाम मात्र से संसार में जीवन कर जाता है। मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सारी बहनों को बधाई, आने वाले जन्माष्टमी की बधाई, और अब उसके बाद और जब सरकार चल रही है, अभी तो 28 तारीख को इन्वेस्टर समिट अर्थात उद्योग धंधा लगाने का लगातार अभियान चलाया हुआ है, पहले उज्जैन फिर जबलपुर अभी ग्वालियर फिर सागर फिर रीवा, लगातार उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए उद्योग धंधों में काम करने के लिए क्या भाई क्या बहन सबको मौका मिलेगा। अभी आपको 1250 मिल रहे हैं, 5-5 हजार किस किस को चाहिए हाथ खड़े करके बताओ, जिनको 5 हजार मिले, यह हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आने वाले समय में हमारी बहनों के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे, जो काम करने चाहेंगी उन बहनों के लिए खास आरक्षण देंगे, उनकी योजना बनेगी, भोपाल में भी कारखाना लगेगा और 5000 से 15000 रुपए तक हमारी बहनों को काम मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार ने सोचा है कि हमारी बहनों का जिंदगी अच्छी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो जो ताली बजा के बताओ आपके अपने जीवन में भी। अरे आप हमारे जैसे भाइयों के लिए हाथ में खर्चा करने की इतनी समझ नहीं होती है, हमारे हाथ से तो 2 रुपए लगना हो तो 2.5 लग जाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में बेन 1 रुपए का काम आठाने में कराती है हमारी बहनों का। ये कलाकारी अगर किसी को है तो बहनों को है, घर का पैसा कैसे बचे सबको ले। तो भोपाल में आप सीएम को सुन रहे थे, रक्षाबंधन उत्सव पर यहाँ प्रदेश की महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, छतरपुर बुलडोजर मामले पर सियासत जारी है, जहां आज कांग्रेस का डेलीगेशन पुलिस मुख्यालय पहुंचा और डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी सरकार डराने धमकाने का काम कर रही है, जिस प्रकार सरकार घर गिराने का काम कर रही है उसे लेकर कांग्रेस मानाधिकार जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मनमानी करने में जुटी हुई है।
घटना का, जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के संविधान के नियमों की का भी तो उल्लंघन ना हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में? ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका, संविधान, इसकी भी तो पालना करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का वोटर हो, अगर जो भी कहीं विरोध होगा कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर जहां सरकार इसे सही ठहरा रही है, बीजेपी का कहना है कि जो कानून मिले, कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो प्रदेश कांग्रेस ने अब इस बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि चुन चुन कर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, मनमानी कर रही है, और कांग्रेस मानवाधिकार का रुख करेगी अगर सरकार ये कार्रवाई नहीं रोकती है। तो किस कानून के तहत, कानून की किस धारा के तहत यह एक्शन लिया गया, बताया जाए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है और बुलडोजर एक्शन की शिकायत कांग्रेस कर रही है। हाजी, उनका जो वीडियो सामने आया था उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया लेकिन उनके घर को तोड़ा गया है। और जिस तरीके से कल आरिफ मसूद ने भी ये कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस मामले पर सामने आना चाहिए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के सहित आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचे थे। डीजीपी को एक ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन के सौंपने के बाद ये मांग की है कि पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस नियम के तहत इस तरह के जो अपराधों में जो लिप्त हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस बात की कांग्रेस पैरवी करती है लेकिन उनके घर के आधार पर तोड़े जा रहे हैं, इस बात को भी पुलिस को सामने बताना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए न केवल छतरपुर में बल्कि इसके पहले लाहौर में जिस तरीके से दबाव बनाया गया डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर, भितरबार में लाखन सिंह पर दबाव बनाया गया, और भी कई जगहों का उल्लेख किया गया है कि कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर जानबूझकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहा है कि कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और यदि यही रवैया आगे जारी रहा तो मानवाधिकार आयोग की शरण भी कांग्रेस लेगी। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। शिवपुरी का रुख कर